नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। और अब देखिए कि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया था उसको लेकर के एक बार तो लगातार चर्चे में है ही, और स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से चर्चा में आ गए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को पर जो है कार्रवाई की बात की जा रही थी, रामचरितमानस को लेकर के विवादित बयान और उसे बैन करने की बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोली, तो उस पर जो है लगातार कोहराम मचा हुआ था। अब देखिए, हर बार की तरह 26 जनवरी की पूर्व संध्या तमाम भारत रत्न और पद्म विभूषण से जितने भी लोगों को सम्मानित करना था उनके नाम का जो है अनाउंसमेंट ही, और जिसमें एक चौंकाने वाला नाम था जिसने सबको चौंका करके रख दिया, वो नाम था मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव के नाम का यहाँ पर ऐलान हो गया, जिसके बाद से सपा खेमे में एक तरफ तो नाराजगी और एक तरफ खुशी का भी माहौल है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया वो थोड़ा चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि नेता जी को यहां पर अपमानित किया गया पद्म विभूषण देकर के। आगे क्या कुछ कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य से वो आपको। सरकार ने नेता जी श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण का सम्मान देकर के उनके विशाल व्यक्तित्व, कृतित्व और देश के प्रति किए गए योगदान का मजाक उड़ाया है। नेताजी को यदि सम्मानित करना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर नेताजी के सम्मान का मजाक उड़ाया है, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार का घटिया सोच को दर्शाता है। तो सुन लिया आपने स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा। तो उनका कहना है साफ सीधे तौर पर कि नेताजी को भारत रत्न देना चाहिए था, भारत विभूषण दे करके ऐसे बड़े व्यक्तित्व को अपमानित किया गया। बहरहाल आपकी इस पर राय क्या है कमेंट करके अवश्य बताइए। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।